हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो जैसे कि हमारी आईपीयू की सीईटी की जो है डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आपकी 28 अगस्त 2021 है। मतलब आज से अगर देखें तो 15 डेज़ के बाद आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो आज से जो है इन 15 दिनों में हम वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सीरीज़ में जो आपके आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम अपना जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ ही आपके जो मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इसमें कवर किए जाएंगे सारे। तो इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें करंट अफेयर्स जो है, जो आपके 2021 के जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स हैं, वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे और साथ ही मीडिया एप्टीट्यूड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। और इसमें बाकी जो बचता है आपका रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अपना आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो तीनों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज़ में से आएंगे। तो प्लीज़ इसको बाय हार्ट फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन स्टार्टेड बाय। तो पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जो है स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने, जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो जो पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है और इसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई द फाइटर प्लेन ऑन रिपब्लिक डे परेड। जो रिपब्लिक डे पे परेड हुई थी, उसमें पहली वुमेन पायलट कौन बनी है जिसने फाइटर प्लेन जो है उड़ाया था, वो है भावना कांत। तो भावना कांत जो है पहली वुमेन पायलट बनी है जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था रिपब्लिक डे के परेड में। थर्ड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला राइस एटीएम जो है कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में पहला राइस एटीएम लगाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्की पार्क इज बिल्ट एट। इंडोर जो स्की हम करते हैं, वो इंडोर स्की पार्क जो है वो पहला इंडिया का कहाँ पर लगाया गया है? वो है आपका कुफरी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ही है ये पहला इंडोर स्की पार्क। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड प्रयास। प्रयास नाम का इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? वो स्टार्ट किया है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रिजन टूरिज्म स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट। प्रिजन मतलब जेल, प्रिजन का जो टूरिज्म है वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? वो करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। जो आपका पुणे में येरवाडा सेंट्रल प्रिजन है, उसको लेकर ये टूरिज्म स्टार्ट किया गया है। सेवन्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेट सेल इज ओपन्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर जो माइग्रेट सेल है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है, ओपन की गई है? वो करी गई है सूरत, गुजरात में। एट्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रोड टनल बोरिंग मशीन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, पहली रोड टनल बोरिंग मशीन ये स्टार्ट हुई है आपकी, लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। नाइन्थ क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन जो है वो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। टेंथ क्वेश्चन है कि विच कैटल डिसीजेज फाउंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली कैटल डिसीज जो पहली बार हमें देखने को मिली है, वो है आपकी लंपी स्किन डिसीज। ये कैटल्स में लंपी स्किन डिसीज जो है देखी जाइए, ये जो है आपका कैप्रीपॉक्स वायरस से जो है ये डिसीज देखने को मिली है। इलेवेंथ है, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी विच इज़ 450 किलोमीटर्स लॉन्ग कनेक्ट्स। तो कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करी है। ये 450 किलोमीटर लंबी है, ये जोड़ती है आपका केरल से कर्नाटका को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केरल विद कर्नाटका। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका सोर्स ऑफ लिथियम हैज़ बीन फाउंड। तो लिथियम का सोर्स जो है वो कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है? वो मिला है आपका मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से 1600 टन्स जो है लिथियम और मिला है। 13th है, रिजर्व्स ऑफ रेयर मेटल वैनेडियम फाउंड इन विच स्टेट। जो एक रेयर मेटल है वैनेडियम, इसके जो रिजर्व्स हैं वो आपको कौन से स्टेट में मिले हैं? वो मिले आपको अरुणाचल प्रदेश में। 14th क्वेश्चन, इंडियाज प्लेस इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021।
तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो है फोर्थ, और पहले नंबर पर आया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। 15th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड हिम टपक हीटिंग डिवाइस टू हेल्प द सोल्जर्स इन वेरी लो टेम्परेचर। तो किस इंस्टीट्यूट ने जो है हिम टपक नाम से एक हीटिंग डिवाइस बनाया है जिसने सोल्जर्स को लो टेम्परेचर में भी रहने के लिए मदद करेगा, वो बनाया आपका DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी, और इसके जो चेयरमैन है वो है आपके जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखिएगा। 16th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है पहला भारत का, वो कहाँ पर लगाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका सांची में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सांची में ये लगाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। 17th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। तो ये जो नेक्स्ट चेयरमैन बने हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के, वो बने हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। साथ ही इसके साथ में एक सवाल आपको देना चाहूँगी कि सोमनाथ मंदिर पर भी जो है मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था, वो कौन से AD में, कौन सी ईस्वी में किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन कंप्लीटेड 5 years इन 2021। तो व्हेन वाज द कैंपेन स्टार्टेड, ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 16th of January 2016 में, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, जिसने इस साल जो है इस साल जनवरी में पूरे 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 19th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडियन रेलवेज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड, नेम द फ्रीट ट्रेन, फ्रीट मतलब मालगाड़ी जो होती है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रेन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड बनाया है, कौन सी ट्रेन है, इसका नाम है वासुकी। वासुकी में क्या 5 ट्रेन जोड़कर इसे 3.5 किलोमीटर चलाया गया है। इसी तरीके से इससे पहले भी एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था शेषनाग, उसमें जो है 4 ट्रेन जोड़कर जो है वो चलाई गई थी। तो उसके बाद अब ये 5 ट्रेन जो है उससे एक ट्रेन ज़्यादा जोड़कर चलाई गई जिसका नाम रखा गया है वासुकी, और पहले वाले का नाम रखा गया था शेषनाग। 20th क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू स्टार्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन। तो किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट किया है। कहाँ पर, शिलोंग में। इसका स्कूल का नाम है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ये पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है। 21st क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड विद स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है वो मिला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जिसके मिनिस्टर्स हैं अर्जुन, मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। 22nd क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द प्राइज मनी ऑफ द प्लेयर्स हु विल वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स बाय 3 to 4 times। तो मतलब ये ओलंपिक्स है, गलत लिख गया है। तो किस गवर्नमेंट ने जो है इंक्रीज किया है प्राइज मनी को, कि अगर कोई प्लेयर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसकी जो उसको प्राइज मनी दी जाएगी वो 3 से बढ़ाकर 4 times कर दी गई है। तो ये करी है आपकी राजस्थान सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। 23rd क्वेश्चन, मकर विलाकू फेस्टिवल गॉट सेलिब्रेटेड इन सबरीमाला टेम्पल विच इज़ लोकेटेड एट। सबरीमाला टेम्पल में जो है मकर विलाकू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये सबरीमाला टेम्पल जो है ये केरल में है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसमें विमेंस को जाने के लिए मतलब आज़ादी नहीं थी, विमेंस नहीं जा पाती थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया और विमेंस को जाने की वहाँ पे छूट दी गई। तो ये सबरीमाला टेम्पल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए। 24th क्वेश्चन, विच इंडियन एयरलाइन ऑल वेमेन पायलट टीम फ्लू ओवर नॉर्थ पोल ऑन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एयर रूट। तो किस इंडियन एयरलाइन ने जिसमें सारी ऑल वेमेन पायलट टीम है उसने नॉर्थ पोल फ्ल्यू करा है, लॉन्गेस्ट रूट एयर रूट वो है आपकी एयर इंडिया की। इसने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक का सफ़र जो है तय किया है। ये टोटल डिस्टेंस है 16,000 किलोमीटर्स की। 25th क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता फॉर सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनल। तो ये करी है आपकी DRDO ने। इसकी जानकारी मैंने आपको DRDO के बारे में पहले ही मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, तो DRDO काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आ सकता है। 26th क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर कोल माइंस। कोल माइंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया, वो किया है आपका यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं हमारे। 27th क्वेश्चन, विंग कैंपेन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन को विंग कैंपेन जो है स्टार्ट किया, किसने किया? वो आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, जिसे हिंदी में एमपी पंख अभियान के नाम से जिसका नाम रखा गया एमपी पंख अभियान। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। तो 20th क्वेश्चन है, नॉन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24th जैन को मनाया जाता है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया। सृष्टि गोस्वामी बिकेम सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर वन डे, किस स्टेट के लिए? उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन 24th जनवरी वाले दिन सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया था। जिस तरीके से नायक मूवी में बनाया गया था, उसी तरीके से सृष्टि गोस्वामी को भी उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।